Hello everyone, I welcome you back once again into Pharma E class. I'm Anindya Goswami और हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे यूनिट वन के थर्ड चैप्टर दैट इज प्रेस्क्रिप्शन. सो प्रेस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्स हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने वी हैड डिफाइंड व्हाट अ प्रेस्क्रिप्शन इज. सो विल डिफाइन वंस अगेन फॉर यू. सो अ प्रेस्क्रिप्शन, आप रिकैपिटुलेट करिए, अ प्रेस्क्रिप्शन हमने डिफाइन किया था, इट इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर लाइसेंस प्रैक्टिशनर लाइक अ वेटरिनेरियन और अ डेंटिस्ट टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक पेशेंट. सो दिस इज द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन. उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसके बेसिक, उसकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए एंड द आइडियल पार्ट्स ऑफ दैट पार्ट्स ऑफ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन विच वी हैड डिस्कस्ड, विच स्टार्टेड विद डेट, देन द पेशेंट इंफॉर्मेशन दैट मींस द नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट वी हैड सुपरस्क्रिप्शन, देन वी हैड इंस्क्रिप्शन, देन वी हैड सब्सक्रिप्शन, उसके बाद था सिग्नेचुरा, उसके बाद रिफिल एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग his name, his signature, his registration number and his contact number that must be. So these are the eight बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन. आप बोर्ड में अभी देख सकते हो हमने एक मॉडल प्रेस्क्रिप्शन ड्रॉ किया आपके लिए. सो दिस इज द फॉर्मेट जिसमें प्रेस्क्रिप्शन, दिस इज द आइडियल और अ मॉडल प्रेस्क्रिप्शन फॉर्मेट. आजकल के मॉडल प्रेस्क्रिप्शन में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन जब प्रेस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई थी और उस समय जो प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, बिकॉज आप याद करिए हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि देन द मेडिसिन्स वर फ्रेशली प्रिपेयर्ड और जिस उस प्रोफेशन को बोला जाता था कंपाउंडिंग. तो जो लोग थे, जो जो मतलब जो फिजिशियंस थे, दे वर सपोज टू गिव द इंस्ट्रक्शन और इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इन फॉर्म ऑफ रिटन ऑर्डर टू अ फार्मासिस्ट, एंड सीइंग दिस थिंग्स द फार्मासिस्ट यूज्ड टू प्रिपेयर द मेडिकेशंस, द कंपाउंड दोस मेडिकेशंस फ्रेशली, और उसके बाद उस मेडिकेशन को पेशेंट को हैंडओवर किया जाता था और उसके बदले पैसे लिए जाते थे. तो दैट वाज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ मेडिकेशन थेरेपी इन दोज डेज. मॉडर्न डे प्रेस्क्रिप्शन में बहुत कुछ बदल गया है, बट फिर भी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मॉडर्न डे प्रेस्क्रिप्शन, जो कि आप जानते ही हो क्योंकि सबके घर में प्रेस्क्रिप्शन रहता ही है कुछ ना कुछ कारण के लिए. तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड, यू कैन कोरिलेट. सो दिस इज अ आइडियल प्रेस्क्रिप्शन और अ मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन. जनरली प्रेस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन अ डॉक्टर्स पैड, एंड अगर वो डॉक्टर कोई हॉस्पिटल के साथ अटैच है तो फिर उस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के राइटिंग पैड में भी डेफिनेटली रहता है. जरूरी नहीं है अगर वो डॉक्टर फ्रीलांस कर रहे हैं, अलग से उनका क्लिनिक है, तो फिर ये हॉस्पिटल्स वाला पार्ट जरूरी नहीं है, बट डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से राइटिंग पैड तो जरूर होना चाहिए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में यू हैव रिटन डेट. सो दिस इज द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था प्रिस्क्रिप्शन का. उसके बाद ये पेशेंट इंफॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पे नेम है, एज है, सेक्स है, मेल एज, उसके बाद एड्रेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉल द पेशेंट इंफॉर्मेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन. अगर डिस्पेंस करते वक्त अगर मेडिसिन जब उपलब्ध करवाया जा रहा है पेशेंट को, उस समय बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे कई बार डिस्पेंस किया जाता है लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक, तो कई बार पेशेंट इंफॉर्मेशन कई बार मिसप्लेस होने की चांसेस है, बट अगर प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से हैं तो फिर उससे प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो इट इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर होना ही चाहिए. नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, दिस इज द पार्ट, दिस इज द सिंबल आर एंड जे, दूर से आपको आर एस की तरह दिखता है. जो जिन्होंने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं उन जरूर देखे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरस्क्रिप्शन एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर सिंबल इज रिटन बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग द entire prescription. So this is the symbol. This symbol is called the superscription part. It is an indication of the particular symbol R. R stands for recipe, and this portion is the symbol of J, that is Roman god Jupiter, who was the god of healing. तो कुल मिला के ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोला जाता है superscription, और इस सिंबल की इंग्लिश मतलब है you take, और आप लीजिए, that is this prescription is for the patient जिनका नाम इस प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और ये मेडिसिन सिर्फ वही इस्तेमाल करे. तो यू टेक और टेक दाउ और सुपरस्क्रिप्शन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर राइटिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन.
नेक्स्ट पार्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा है तीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखिए आप। एल्युमिनियम पाउडर 20 ग्राम्स, जिंक ऑक्साइड 40 ग्राम्स, लिक्विड पैराफिन 40 ग्राम। सो दिस इज द पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन पार्ट, और इट कंटेन्स द मेन डिटेल्स मेडिकेशन के, पेशेंट को क्या मेडिकेशन दिए जाएगी। ये मेडिकेशन देख के, ये इंग्रेडिएंट्स देख के आपको बहुत अजीब लग रहा हो, क्योंकि मॉडर्न के प्रिस्क्रिप्शन वी डोंट फाइंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बट जब मेडिसिन सपोज टू प्रिपेयर वेरी फ्रेशली, तो ऐसे ही स्मॉल स्केल में 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम या उससे भी कम ml में 20 ml 10 ml 50 ml 100 ml इतनी क्वांटिटीज में उस समय इंग्रेडिएंट्स को और प्रिस्क्रिप्शन को, जो एक फॉर्मुलेशन था उसको प्रिपेयर किया जाता था, बिकॉज ऑफ कॉन्टामिनेशन और प्रिजर्वेशन की उस समय प्रॉब्लम थी, तो दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो ये इंग्रेडिएंट्स के साथ जो इंग्रेडिएंट जिस पार्ट में लिखा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, और दैट पार्ट इज कॉल्ड द कॉल्ड एज द इंस्क्रिप्शन पार्ट, विच इज द मेन। इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन इन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द मेडिकेशंस जो पेशेंट को दिया जाएगा। आजकल इसमें भी मेडिकेशंस डायरेक्टली नहीं लिखते डॉक्टर, दे डायरेक्टली राइट दोस ब्रांड नेम्स, विच इज नॉट एट ऑल, जो जो आप आज अभी दिख रहा है आपको, उस हिसाब से आप उसको कोरिलेट धीरे धीरे कर पाएंगे। सो ये इंस्क्रिप्शन के पार्ट के बाद देखिए इंस्ट्रक्शन, कि इन इंग्रेडिएंट्स को लेके करना क्या है। इंस्ट्रक्शन स्किन के लिए ना, फॉर द फार्मासिस्ट। सो नेक्स्ट इज द सब्सक्रिप्शन पार्ट, सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है, मेक अ पेस्ट। सो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, प्रेस्क्रिप्शन इज द रिटन ऑर्डर गिवन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ए फार्मासिस्ट। So, with this ingredient, with this aluminium powder, zinc oxide, liquid paraffin, so what the pharmacist will do? He or she will make a paste. So, the instruction for the pharmacist, जो कि subscription part में लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा है make a paste. Okay? Modern day prescription में subscription part is completely missing, because in modern system of allopathic medicines में medicines are always prepared previously. कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको उसके सारे स्ट्रिंजेंट कंडीशन स्टैंडर्डाइज कंडीशन को मेंटेन करके प्रॉपरली क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स वगैरह पास करके उचित क्वालिटी में फिर वो जाता है होलसेलर्स के पास, होलसेलर से आता है छोटे छोटे रिटेलर्स के पास उनके जरूरत के हिसाब से नीड के हिसाब से, और हम फिर उन रिटेलर से जाके खरीदते हैं। तो मेक अ पेस्ट, ये वाला जो सब्सक्रिप्शन पार्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट, इट इज कंप्लीटली मिसिंग इन मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शंस। उसके बाद के पार्ट देखिए आप, स्प्रेड ऑन व्हाइट लिंट एंड अप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। सो किसके लिए है ये चीज, फार्मासिस्ट तो पेस्ट बना के दे देंगे, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इट इज फॉर द पेशेंट्स। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द सिग्नेचुरा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म इज SIG डॉट, और सिग्नेचर इज अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबल। तो एक लेबल के ऊपर, एक मेडिसिन लेबल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं सिग्नेचर पार्ट में, वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, एंड दोज इंस्ट्रक्शंस आर द यूजेज इंस्ट्रक्शन, के ये जो प्रिपरेशन आपको हैंड ओवर करी जाएगी, पेशेंट को दी जाएगी या पेशेंट खरीदेंगे जो मेडिसिन, उस मेडिसिन को प्रॉपरली यूज कैसे करना है। सो सिंस इट इज अ पेस्ट, आप पेस्ट जानते हैं, पेस्ट इज एन सॉलिड डोजेज फॉर्म और समटाइम्स सेमी सॉलिड ऑल्सो, विच इज मेड फॉर एप्लीकेशन ऑन टू द स्किन सर्फेस फॉर अ कवरिंग पर्पज, कवर करने के लिए कोई वुंड को या कोई चोट को पेस्ट यूज किया जाता है। सो व्हाट वी डू विद दिस पेस्ट, जो आपको फार्मासिस्ट दे देंगे, सो वी स्प्रेड ऑन अ व्हाइट लिंट, मतलब एक व्हाइट बैंडेज कपड़े के ऊपर उसको स्प्रेड करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे अफेक्टेड एरिया पे। सो दिस इज द सिग्नेचर पार्ट, इट इज द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट्स रिगार्डिंग हाउ टू टेक दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज रिफिल और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, जो कि अगेन मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन में देखने को नहीं मिलती है। रिफिल रिन्यूअल उस समय के प्रिस्क्रिप्शन में थे, हमको पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया, तो वी शुड नो, बिकॉज दिस मेडिकेशन इज प्रिपेयर विद इन फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ डेज। 100 ग्राम देखिए, 40, 20 तीनों ग्राम्स में, तो इट इज ऑफ 100 ग्राम कैपेसिटी, तो 100 ग्राम एक बार में यूज हो गया अगर, तो फिर से अगर उसी चीज की जरूरत हो तो कितने दिन बाद रिफिल करने पेशेंट आएंगे, तो यहाँ पे डेज या टाइम लिखे जाते थे उस समय। मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन में इट इज कॉम्प्लीटली मिसिंग, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर दिन लिख देता है, रेफर आफ्टर 1 मंथ, रेफर आफ्टर 15 डेज, रेफर आफ्टर 24 आवर्स, व्हाटएवर,
तो रिफिल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट रिफिल करके ये शब्द आपको आजकल के प्रेस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है. नेक्स्ट इज द सिग्नेचर, विच इज डोंट डिफरेंशिएट, डोंट मिक्स अप विद सिग्नेचुरा. इट इज सिंपल सिग्नेचर इन इंग्लिश और साइन. सो व्हाट हु साइन इज रिक्वायर्ड, डॉक्टर साइन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. तो डॉक्टर्स के राइटिंग पैड में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन है तो इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डॉक्टर को लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद सिग्नेचर करने पड़ेंगे. तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, डॉक्टर्स नेम, डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है जहां से भी वो मतलब रजिस्टर्ड है, उनका लाइसेंस नंबर, इसके अलावा उनके कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर या जो भी चीजें हैं और उनका एड्रेस. सो दिस इज द कॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो कि आपका होना चाहिए. सो दिस इज अ मॉडल प्रिस्क्रिप्शन. आपके एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिफाइन अ प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कस योर आंसर और साइट योर आंसर विद अ मॉडल प्रिस्क्रिप्शन. सो दिस इज योर कॉम्प्लीट आंसर. नाउ आजकल का जो मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन है उसमें काफी चीजें सिमिलर है बट काफी चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, पर्टिकुलरली आपका ये इंस्क्रिप्शन पार्ट. इन दिस इंस्क्रिप्शन पार्ट नाउ वी हार्डली फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की बायोफैब्रिकेशन. ओके, इंस्क्रिप्शन पार्ट में आजकल डायरेक्टली डॉक्टर विल सपोज टू राइट, सपोज कॉमिफ्लेम टैब TID इनटू 4 days. सो देखिए आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक लाइन में समेट गया. दिस इज अ टैबलेट का ब्रांड नेम है, बहुत ही कॉमन, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल दोनों ड्रग्स है, बहुत कॉमन एक प्रिपरेशन है, मार्केटेड फॉर्मुलेशन. आई एम डायरेक्टली टेकिंग इट्स नेम. सो ब्रांड नेम, व्हाट इज द डोजेज फॉर्म, टैब, टैब ट्रांसपोर्ट, टैबलेट का शॉर्ट फॉर्म है. TID, दिस इज अनदर शॉर्ट फॉर्म जो कि एब्रिविएशन जो कि लैटिन से लिया गया है और हम उसके बारे में आएंगे. TID into 3 days. Now, what is this TID mean? This TID means ter in di or 3 times a day. Din mein 3 baar. So now for the very shortness of time, now doctors, what are they doing? They're directly writing the brand name of the preparation of the formulation. उसका डोजेज फॉर्म कि वो सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है क्या, उसके बाद कितने दिन में कितनी बार TID जो है आपका वो ये लैटिन टर्म से आया है, दैट इज टर इन डाई, इसका शॉर्ट फॉर्म है TID. इसका मतलब है दिन में 3 बार, 3 times daily या 3 times a day. इन 24 hours यू कैन गिव 3 टैबलेट आप ले सकते हैं. ओके, और उस कितना दिन तक खाना है ना, इंटू 4 days. So, इतने सारे जो इंस्क्रिप्शन पार्ट थी वो उन्होंने वो समेट गए एक मेडिकेशन के लिए. हो सकता है और भी मेडिकेशन हो तो उनको भी उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा. साथ साथ में ये जो आपके दिस सब्सक्रिप्शन पार्ट, इट विल बी कॉम्प्लीटली मिसिंग बिकॉज नो फार्मासिस्ट दिस डेज हार्डली दे प्रिपेयर फ्रेश मेडिकेशन. हाँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशन, कुछ सीधा ही उन्होंने प्रिपरेशन जो कि अभी भी फ्रेशली बनाया जाता है वहां पर ये पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट नॉट फॉर एनी एलोपैथिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. इसके अलावा जो आपके सिग्नेचर पार्ट, जो लेबल पार्ट, वो जरूर लिखने की वजह लोगों को बता दिया जाता है डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसमें भी दिया जाता है. तो ऐसे एग्जैक्टली जैसे आप सिग्नेचर देख रहे हो वैसे कई बार नहीं भी रहता है, शॉर्ट में रहता है. इसी लाइन में देखो आप सब दिया गया है TID into 4 days. तो ये टैबलेट आपको दिन में 3 बार 4 दिनों तक खाना है. कभी कभी ये भी दिया जाता है कि बिफोर मील्स, खाने से पहले, खाने के बाद, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब इंस्क्रिप्शन और सिग्नेचर पार्ट एक साथ ही लिखा जाता है आजकल. वी कैन नॉट फाइंड अ बाइफर्केशन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, दिस सब्सक्रिप्शन एंड दिस सिग्नेचर पार्ट. So, first and foremost, modern day prescription is containing the date, definitely, patient information, ये भी साथ रहता है, superscription definitely रहता है, उसके बाद inscription part, subscription part और signature part में subscription part completely missing रहता है. inscription part में they are writing directly the brand name of the drug, of the preparation, उसका dosage form, उसके जो dosage है और कितना दिनों तक और post meal, before meal,
ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि शॉर्ट एंड लैटिन फॉर्म में कई बार लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ TID लिखा, तो ये इन्फॉर्मेशन सारी इंग्लिश में है, लेकिन इसमें से ये जो एब्रिविएशन है ये लैटिन से एब्रिविएट हुआ है। तो फिर कई प्रेस्क्रिप्शन में टू सेव द टाइम इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर रूटीनली रिटर्न, और ये इन्फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ आप जानते हो कि TID means turn dye or 3 times a day, this because डॉक्टर्स को आपको पढ़ाया जाता है और फार्मासिस्ट को ये पढ़ाया जाता है, नर्सिंग में ये टॉपिक है, बाकी जनरल पब्लिक के लिए इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। सो फार्मासिस्ट शुड डेफिनेटली नो व्हाट अ प्रिस्क्रिप्शन है, दैट्स व्हाई आपको ये चीज बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद रिफिल पार्ट भी एब्सोल्युटली मिसिंग रहता है, एंड उसके बाद सिग्नेचर एंड डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन डेफिनेटली रहता है।